गुड मॉर्निंग। तो जैसा बेटा आपने कल देखा, हमने एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से पढ़ा। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के बाद आज हमने एक केमिकल फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जिस केमिकल फॉर्मूला के अंदर ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस टाइप से किसी भी एलिमेंट के अंदर, किस टाइप के एटम के अंदर ट्रांजिशन होती है, और उन ट्रांजिशन को एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए, दिस इज द रेडबर्ग फॉर्मूला। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको रेडबर्ग फॉर्मूला का नाम दिया गया। तो रेडबर्ग इज़ अ साइंटिस्ट नेम, और उन्होंने अपने नेम के ऊपर बेटा एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया। अब ये फॉर्मूला बेटा हमारे को क्या कुछ देकर जाएगा, इस फॉर्मूले के अंदर क्या कुछ पढ़ने वाले हैं हम। तो बेटा ध्यान रहे कि जैसे कोई भी हमारा एलिमेंट्स है, मान के चलो उस एलिमेंट में जब भी किसी वन एनर्जी लेवल से किसी अनदर एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन होती है, मीन्स मान के चलो यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही है, ऊपर वाले एनर्जी लेवल से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, तो जैसे ही ये ट्रांजिशन होगी तो वहाँ पे एनर्जी का एमिशन होगा, लाइट का एमिशन होगा। उस लाइट्स को बेटा आपने देखा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के थ्रू नोट कर लिया जाता है, और नोट करने के कोर्सपोंडिंग हमारे को किसी एक स्पेक्ट्रा के अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाती हैं। ओके, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, इस रेडबर्ग फॉर्मूला के अंदर यही पढ़ेंगे कि जब एलिमेंट्स आपकी एमिशन लेता है, ट्रांजिशन लेता है, तो आपको बेटा किस टाइप की वेवलेंथ मिलने वाली है, किस टाइप की आपको फ्रिक्वेंसी मिलने वाली है। तो रेडबर्ग ने एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू ये बता दिया कि जब भी किसी वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन होगी तो आपको किस टाइप की वेवलेंथ मिलेगी। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना है, इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। यहाँ पे दिस इज वन अपॉन लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा मीन्स दिस इज वेवलेंथ, और यहाँ पे दिस इज आर, और आर होगा बेटा आपका रेडबर्ग कॉन्स्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, दिस वैल्यू विल बी 109677 पर सेंटीमीटर के अंदर होगी। ओके, ध्यान रहे आर इज़ द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू जो रहेगी 109677। ओके, दिस इज जेड, एंड जेड विल बी रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, मीन्स जिस एलिमेंट का आप स्पेक्ट्रल नोट कर रहे हो उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होगा आपके पास, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू का स्केयर। ओके, तो बेटा ध्यान रखना है एन वन एंड एन टू वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, तो किस टाइप से आपने एन वन और एन टू को आइडेंटिफाई करना है, तो कीप इन माइंड एन टू से ट्रांजिशन एन वन के अंदर होगी। ओके, एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन होगी, तो इट मीन्स एन टू विल ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन एन वन। एन टू हमेशा ही एन वन से ग्रेटर देन रहेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन होते ही वहाँ पे एनर्जी का अमिशन होगा, उस एनर्जी के अमिशन को हम इस फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप एक इसकी सिंपल फॉर्म भी चेक कर सकते हो यहाँ पे इस फॉर्मूला की। तो ये भी बेटा सेम फॉर्मूला रहेगा, वन अपॉन लैम्डा आर एच मीन्स रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू का स्केयर। आर की वैल्यू आपको लर्न हो चुकी होगी 109677 पर सेंटीमीटर। ओके, लैम्डा क्लियर है, एन वन क्लियर है, एंड एन टू क्लियर है। अब हम एक न्यूमेरिकल पोर्शन को देख रहे हैं, उसके अंदर आप देखना बिल्कुल आपका कंप्लीट ये क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इन द रेडबर्ग ओकेशन ए स्पेक्ट्रल लाइन्स कोरस्पोंडिंग टू एन वन थ्री है और एन टू फाइव है, मीन्स बेटा इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग आपका वन अपॉन लैम्डा क्या बनेगा, मीन्स आपको वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लियर होगा बेटा आपको। अब ध्यान देना है यहाँ पे जेड आपको गिवन नहीं है, इट मीन्स दिस स्पेक्ट्रा इज रिकॉर्डेड फॉर द हाइड्रोजन एटम। ओके, वन अपॉन लैम्डा आर आएगा बेटा आपका वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस एन टू का स्केयर, एन वन एंड एन टू वैल्यूज आपको गिवन है। वरना अगर आपको एन वन और एन टू की वैल्यू क्लियर नहीं हो रही, तो आपने अभी आपने क्लियर किया एन टू ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन, एन टू हमेशा ही ग्रेटर देन होता है एन वन के कंपेरिजन में।
ओके, तो इस बात का भी आपने हमेशा ध्यान रखना है। एक न्यूमेरिकल और चेक कर सकते हो यहाँ पे, दिस। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आप देख सकते हो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 4 एंड एन इज इक्वल टू 2। मीन्स एन टू इज 4 एंड एन वन इज 2। ओके, तो उस फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, आर की वैल्यू को पुट करना है, आपके पास वेवलेंथ और एनर्जी फ्रिक्वेंसी की आ जाएगी। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी फॉर्मूलाज का लगा सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होती हैं उनको भी हमने क्लासिफाई किया है। तो वो किस टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि कुछ लेमन सीरीज आई, लेमन सीरीज के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन की ऑक्साइडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी, तो हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन की अगर जो ट्रांजिशन है हायर एनर्जी लेवल से बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल के ऊपर हो रही है, एन वन वन के इक्वल हो रही है, तो बेटा वो वहाँ पे लेमन सीरीज की फॉर्मेशन होगी। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन 2 से 1 के अंदर आ रहा है, 3 से 1 के अंदर आ रहा है, 4 से 1 के अंदर आ रहा है, या फिर 5 से 1 के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे लेमन सीरीज की बात होगी। और ध्यान रहे लेमन सीरीज हमेशा यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करती है। ओके, ऑन दी सेम वे बाल्मर सीरीज के अंदर जब भी ट्रांजिशन सीरीज होगी तो इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्साइटेशन है हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल के अंदर होने वाली है। ओके, और इसके बाद ध्यान रखना है जो बाल्मर सीरीज के अंदर जो ट्रांजिशन की जो रेंज होगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस की जो रेंज होगी, वो बेटा विजुअल रेंज के अंदर होगी। और इसके बाद पाश्चन सीरीज के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होगी हायर एनर्जी लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा। ओके, 4, 5, 6, 7 हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है तो वहाँ पे पाश्चन सीरीज की फॉर्मेशन होगी। और कीप इन माइंड पाश्चन सीरीज ऑलवेज प्रोड्यूस द इंफ्रारेड रेडिएशन। और नेक्स्ट है ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 5, 6 हायर एनर्जी लेवल से अगर 4th एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन हो रही है तो वहाँ पे ब्रैकेट सीरीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑन द सेम वे अगर आपका यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल से 5th एनर्जी लेवल के अंदर ट्रांजिशन हो रही है तो वहाँ पे पीफन सीरीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। इसके साथ साथ आपने ये बात भी ध्यान रखनी है, लेमन सीरीज ऑलवेज फॉर्म द यूवी रेडिएशन, बाल्मर सीरीज फॉर्म द विजिबल रेंज, एंड अनदर पाश्चन ब्रैकेट एंड पीफन फॉर्म द IR एंड IR इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, तो आज आपने और कल के बेटा लेक्चर के अंदर भी आप इन सभी से रिलेटेड जो भी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है उसके अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। ओके, थैंक यू।